क्लास 9 के स्टूडेंट, यहाँ पर आरडी शर्मा बुक से एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.6 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट इट एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। यहाँ पर एक हमें लाइन ड्रॉ करना है 8.6 सेंटीमीटर, और 8.6 सेंटीमीटर की लाइन को खींचने के बाद उसे हमें बाइसेक्ट करना है। कैसे बाइसेक्ट करेंगे इसको देखें। सबसे पहले बेटा आप स्केल रखो और 8.6 सेंटीमीटर यहाँ पर है, इससे आप जीरो तक लाइन को ड्रॉ कर देते हो। ये हो गया 8.6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जब जाएंगे हम, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास को अपना लेंगे। कंपास के दोनों पॉइंट को आप यहाँ पर एक साथ मिला लेंगे, और एक साथ मिलाने के बाद किसी भी लाइन का, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी किसी लाइन का हाफ बाइसेक्टर ड्रा करना होता है तो उसे क्या करते हैं, उस लाइन को हाफ बाइसेक्ट करने के लिए हमने यहाँ से एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, इसको ड्रॉ कर देते हैं। और इन दोनों को ड्रॉ करने के बाद जो हमारा ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब हम ज्वाइन तो कर चुके, लेकिन हमने ये देखना है कि ये जो दोनों लाइन हमारा है, जो भी ए और बी है, ए और बी, इसमें जहाँ तक ये लाइन गई है, जिसे कहते हैं कि हमने मान के लिया कि यहाँ तक हमने एम बना लिया, तो लाइन क्या 8.6 का हाफ कितना होता है, इसको 2 से ड्रा करो 4.3 हो जाएगा। तो 4.3 है या नहीं है यहाँ पर हम नाप के देख लें, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये 4.3 पर ही लाइन जा रही है। तो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर दे रखा है। यहाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप बहुत अच्छे से समझ लें और इस क्वेश्चन को करें। इसके रफ डायग्राम को भी आप समझ सकते हो, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बहुत क्वेश्चन ईजी सा है, बहुत जल्दी आपके समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.8 सेंटीमीटर, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। क्योंकि स्टूडेंट, जैसा 17.1 है ना, इसी के बेस पर एनसीईआरटी बुक से 11.1 और 11.2 ये एक्सरसाइज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप बाइसेक्ट करना जरूर सीख लें, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 5 है, 5.88 यहाँ पर है, इससे हमने जीरो से इसको मिला दिया, 5.8 सेंटीमीटर हो गया। लाइन का नाम जैसा बताया गया कि लाइन सेगमेंट ए बी है, और ये कितना है, 5.8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, आधे से ज़्यादा लाइन का ले लेना है, आधे से ज़्यादा, और एक आर्क आप ऊपर लगा दें और एक आर्क आप नीचे लगा लें, राइट ना, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, और फिर ए पर रख करके एक यहाँ से और एक यहाँ से, इन दोनों पॉइंट को, यहाँ पर ये आर्क आ चुका है यहाँ से, और इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट, इसे आप इंटरसेक्ट करते हुए खींच दें, और इस तरह से आप देखें कि 5.8 का जस्ट हाफ कितना होगा, 2 2 जा 4 2 9 जा, तो 2.9 होगा। अब हम स्केल से इसको मेज़र कर लें कि 2.9 है भी या रॉन्ग हो रहा है, तो 2 हमारा 9 हो गया, 3 से थोड़ा पहले आप देख रहे होंगे लाइन आ रही है, तो 2.9 सेंटीमीटर। और इस तरह से इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप देख के समझ सकते हो कि यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है और किस तरह से इसको हमें करना है। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।